दोस्तों आज हम देखेंगे कि आप ग्रो ऐप में 2024 में जो भी आपका होल्डिंग रहता है उसका आप डीमैट रिपोर्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हो, होल्डिंग रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हो। सो सब कुछ यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रोसेस में बताने वाला हूँ। सो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देखोगे जो मेरा ग्रो ऐप है इसमें मैंने कुछ होल्डिंग्स करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप वैल्यू वगैरह टोटल देख सकते हो। एंड जो भी आपका होल्डिंग रिपोर्ट रहता है इसको आप FNO एक्टिवेशन में भी दे सकते हो। सो इससे क्या होता है कि आपका जो भी FNO सेगमेंट रहता है ओपन हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। बट यहाँ पे आपका जो होल्डिंग वैल्यू रहता है 10,000 के ऊपर होना चाहिए तभी ये काम करता है। सो इस टाइप का भी आप इनकम प्रूफ में भी इसको यूज कर सकते हो। बाकी की सभी जो भी रिपोर्ट है इसको हमें कैसे निकालना रहता है, सो यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको सीधा रिपोर्ट में आ जाना है। एंड जैसे आप यहाँ पे रिपोर्ट में आके देखोगे सो सभी टाइप का यहाँ पे आपको रिपोर्ट देखने को मिलेगा और नीचे यहाँ पे आपको स्टॉक से रिलेटेड देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देखोगे नीचे स्टॉक में डीमैट रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इस तरीके से यहाँ पे आपको सीधा डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। सो जो भी आपका रिपोर्ट रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड हो गया सक्सेसफुली। ऊपर यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप देखोगे जो भी हमारे डीमैट रिपोर्ट है डाउनलोड हो गया कंप्लीट, इसी पे आपको क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप उस पर क्लिक करोगे इस तरीके से आपका यहाँ पे रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे क्लाइंट रिपोर्ट करके आ रहा है और इस साइड में आपका डिटेल्स वगैरह भी रहेगा। और नीचे यहाँ पे आपको फ्री क्वांटिटी देखने को मिलेगा कि आपने कितना होल्डिंग्स करके रखा हुआ है, और इस साइड में यहाँ पे आपको टोटल क्वांटिटी देखने को मिलेगा। सो गाइस आप इसी तरीके से जो भी डीमैट रिपोर्ट रहता है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस एक और कंडीशन है इसके लिए कि जो भी आपका डीमैट रिपोर्ट रहता है आपको तभी मिलेगा जब आपका जो भी होल्डिंग रहता है इसका 1 महीने से ज़्यादा हो जाता है, यानी 1 मंथ के बाद जो भी आपका रिपोर्ट रहता है अपलोड हो जाता है, उसको आप फिर डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस आप इसी तरीके से जो भी आपका होल्डिंग्स रहता है उसका आप रिपोर्ट निकाल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। एंड बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा। एंड गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।